तो आज हम बात करेंगे वर्ग चार्ट्स के बारे में। कौन कौन से वर्ग चार्ट होती है, वर्ग चार्ट होती क्या है, वर्ग चार्ट को कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन सी वर्ग चार्ट से क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, इन सब चीजों का, सवालों का जवाब हमको आज क्लियर होगा इस लेक्चर के एंड पे। ठीक है, वर्ग चार्ट क्या होती है? हमारी लग्न चार्ट होती है। मैं व्हाइट बोर्ड भी निकाल लेती हूँ पहले, या ये हम एक बार देख लेंगे। हम जब भी किसी भी देवज्योति सर, आपको एस्ट्रोलॉजी का कितना नॉलेज है, आपको कितना मालूम है, आप मुझे बता सकते हैं आप हाँ, कितने थोड़ा बहुत परफेक्ट? बेसिक पता है। ओके सर, ओके, ठीक है। तो जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में और किसी भी एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, जब हम बर्थ डिटेल्स हमारी या फिर क्लाइंट की या फिर हमारे किसी भी हमसे जुड़े हुए बंदे की, जब हम कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, हमारे पास सवाल होता है या हमारे पास सवाल आता है, ठीक है, तो जब हम उनकी बर्थ डिटेल्स डाल करके सामने हमारे जो चार्ट आती है वो लग्न चार्ट होती है, जिस लग्न चार्ट को 12 भाव में बांटा हुआ होता है। अब हमारे पास जो सवाल आया हुआ होता है, वो सवाल का जवाब हमको कौन से भाव से मिलेगा, वो सवाल धन से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, भाई बहन से संबंधित है, नाम शोहरत शौकत से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, हमारे स्पाउस, हमारे वाइफ से संबंधित है, हमारे हस्बैंड से संबंधित है, हमारी एजुकेशन से संबंधित है, या फिर कौन सी चीज से वो प्रश्न संबंधित है, उस भाव को हम लेते हैं और उस ही भाव से A to Z, उस प्रश्न का A to Z हम लेने की कोशिश करते हैं। अब एक बार अगर हमने भाव, हमको पता चल गया है कि इस सवाल का जवाब हमें इस भाव से मिलने वाला है, कुंडली के मान लो दूसरे भाव से हमें धन से संबंधित सवाल जवाब मिलने वाला है, तो उसके लिए जैसे कि स्थिर कारक है, उसका भावेश है, उस भाव का लॉर्ड है जिसे भावेश भी कहते हैं, स्थिर कारक भी है, उस भाव का वर्ग चार्ट भी होता है। हमेशा आपने कॉमनली एस्ट्रोलॉजिस्ट को, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मैं कहूंगी, ठीक है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजिस्ट को ये इतना ही कैलकुलेशन में देखा होगा, लग्न चार्ट से, लग्न चार्ट के बाद दृष्टियां, नक्षत्र, चंद्र चार्ट, नवमांश चार्ट, गोचर दशा, ऊपर ऊपर से, ठीक है। मगर असलियत में अगर देखें तो एक चार्ट को अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ, सामने वाले की दिक्कत को समझते हुए, उसको हेल्प करने के हिसाब से या फिर सामने वाले का समाधान देने के नियत से अगर आप एक चार्ट को देखने जाएंगे, तो आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं, अगर आपको सटीक सटीक जवाब उसको देना है तो। वर्ग चार्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही कम किताबों में है, बहुत ही कम आर्टिकल्स में है, बहुत ही कम ज्योतिष वर्ग चार्ट का इम्पोर्टेंस समझते हुए भी यूज बहुत ही कम करते हैं। तो जब हम किसी को सिखा रहे हैं, मतलब हम एस्ट्रोलॉजी की उस पर नींव डाल रहे हैं, नींव अगर मजबूत होगी, एस्ट्रोलॉजी का एक एक टर्म सिखाने का हमारा उद्देश्य है, मकसद है, फिर चाहे आप कितनी भी उस पर प्रैक्टिस करें, कर पाए कि नहीं कर पाए, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए, कुछ छूटता भी है तो हम बाद में उस पर बात करते हैं, कुछ ऐसे ही छूट गया वो अलग बात है, ठीक है। तो उद्देश्य यही है कि हर एक चीज का जो यूज है
वो पूरी तरह से यूज हो ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, बराबर आए, ताकि लोग इससे प्यार करें, ना ही इसको मिथ समझ के इससे दूर भागे, इसे एज अ सॉल्यूशन लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अगर लग्न कुंडली से भाव पता चल गया है और हमने लग्न कुंडली को एनालाइज कर लिया है, उसके बाद जो हमको कंफर्मेशन उसकी लेनी है कि क्या लग्न कुंडली में जो हमको मिल रहा है क्या वही चीजें हमें जो उसकी वर्ग चार्ट है उसमें भी देखने को मिल रही हैं कि नहीं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अभी हर एक चार्ट का अपना अलग अलग कारण है, अलग अलग भाव का डिवीजन है हर एक चार्ट, उसको भी देखेंगे कैसे डिवीजन है, कैसे होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं जो D1 चार्ट होती है, वो D1 चार्ट आप चाहें, आज प्रफुल्ल जी आप हैं, दिव्यज्योति सर हैं, शैलेंद्र जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, आलोक एब्सेंट है, के वैभव जी, विवेक जी, फाइन, मैनी आर एब्सेंट, इट्स ओके। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो एक डायरी, आप लोगों ने तो मेंटेन की ही है प्रफुल्ल जी, तो एक नोट लें और उस नोट में अपने अनुसार, अपने क्या बोलते हैं, आपको जैसा इजी लगे उसके हिसाब से आप उसको नोट्स बनाएं, ताकि हमेशा आज का जो पढ़ा हुआ हो वो याद रहे, भूले नहीं। सबसे पहले हम चार्ट्स के नाम देख लेते हैं और चार्ट का किस एरिया में इन्फ्लुएंस है, वो चार्ट क्यों देखनी है वो देख लेंगे। सबसे पहले हमारी लग्न चार्ट है, हमारी राशि चार्ट है, जिसे D1 चार्ट कहा जाता है, वो हम हमारे वेल्थ, हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हम खुद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम D1 चार्ट देखते हैं, हमारे A to Z जानकारी के लिए हम D1 चार्ट देखते ही हैं, सबसे मेन चार्ट। ठीक है, उसके बाद होरा चार्ट है, D2 चार्ट, वेल्थ एंड फैमिली लाइफ के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी। ठीक है, और वो वेल्थ कैसी रहेगी, आसानी से मिलने वाली रहेगी कि एफर्ट्स डाल के मिलेगी, कब तक साथ में हमारे वो वेल्थ रहेगी। तीसरी चार्ट जिसे D3 कहते हैं, दृष्टिकान चार्ट, सिबलिंग्स के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए। दृष्टिकान चार्ट से आप आपका फिजिकल फिटनेस, पराक्रम, भाई बहन से कैसी आपकी रिलेशनशिप होगी वो भी देखते हैं। चतुर्मांश, चतुर्थांश चार्ट, D4 चार्ट, आपका सुख, सुविधाएं, लग्जरी, प्रॉपर्टी, माता के साथ संबंध। इसमें एक दो ही चीजें लिखी हैं, लेकिन काफी सारी चीजें होती हैं। सप्तांश चार्ट, D7 चार्ट, बच्चों का सुख मिलना, बच्चों से सुख मिलना, हायर एजुकेशन, लव अफेयर्स, ये सब हम D7 चार्ट से देखते हैं। आगे समझेंगे कि जो D7 चार्ट है कौन से भाव का विस्तार है। ऑब्वियसली D7 चार्ट से हमको बच्चों के बारे में देखना है, लव अफेयर्स के बारे में देखना है, तो D7 चार्ट हमारे लग्न कुंडली के पंचम भाव का विस्तार होगा। इसी तरह से D3 चार्ट हमारी लग्न कुंडली के D3 चार्ट हमारी लग्न कुंडली के थर्ड हाउस का विस्तार है। ठीक है, महर्षि पराशर, हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी के मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को, तो महर्षि पराशर के अनुसार सिर्फ उन्होंने 16 वर्गीय चार्ट्स पर ही बात की है, फिलहाल हम भी 16 वर्गीय चार्ट्स पर ही बात करेंगे, D1 से लेकर के D60 तक। ठीक है,
बहुत सारी चार्ट्स और भी हैं, नोट्स भी इसमें काफी हैं। कुछ चार्ट्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मान्यता ही नहीं दी गई है, ठीक है? जो सबसे मेन चार्ट्स हैं हम उस चार्ट्स को देखेंगे, और अगर आज ये कवर नहीं होता है तो पूरी कोशिश करेंगे कि हाफ कवर हो जाना चाहिए, कम से कम 8 to 10 चार्ट्स के बारे में हम समझ लें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नवमांस चार्ट, ये तो हमें पता ही है। नवमांस चार्ट आप अपने पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं, लेकिन नवमांस चार्ट आप हर एक सिचुएशन की कंफर्मेशन के लिए भी देखते हैं, जनरली भी। वैसे मोस्टली नवमांस चार्ट स्पाउस के लिए, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। D9 चार्ट जिसे कहा जाता है, यानी कि सेवेंथ हाउस का ना, 9 भाग में सेवेंथ हाउस को बांटना, D9 चार्ट। कैसे बांटेंगे अभी व्हाइट बोर्ड पे इसको समझेंगे, पहले हम नाम देख लें। द्वादशा चार्ट D12, यहाँ से हम पिता को, हमारे माता को, पेरेंट्स के बारे में सब कुछ, उनकी सेहत के बारे में जानते हैं। षोडशा चार्ट D16, हमारी लग्जरी के बारे में, हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे होरा चार्ट की सबसे ज्यादा पहले, फिर हम बात करेंगे D3 चार्ट की, दृष्टिकान चार्ट, और नवमांस चार्ट की, D7 चार्ट की, ठीक है, और D10 चार्ट की। इसके बाद समय बचेगा तो हम बाकी चार्ट्स पे भी मूव करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो कि सैटरडे को होगा, मगर किसी को अगर सैटरडे संडे नहीं करना है तो मंडे टू फ्राइडे लेक्चर चालू ही रहता है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 to 10:30, सैटरडे संडे आफ्टरनून 3 to 4। तो ये जो है चार्ट्स के नाम है, हिंदी नाम चार्ट को, शॉर्ट फॉर्म डिविजनल चार्ट 1, डिविजनल चार्ट 2, डिविजनल चार्ट 3 ऐसे बोला जाता है, और कौन सी चार्ट से लाइफ का कौन सा फेस के बारे में हमको विस्तार में देखना है वो हम देखते हैं। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में चार्ट्स देखने जाते हो, आपने लग्न चार्ट देख ली, उसके बाद अगर आपको नवमांश देखनी है तो आपको इस तरह से चार्ट्स दिखती है, ठीक है? ये गूगल से मैंने पिक निकाली हुई है, जस्ट आपको समझाने के लिए। नवमांश चार्ट हम देखते हैं, उसके बाद आपको वो चार्ट देखनी होती है जिसका, वो वर्ग चार्ट देखनी है जिस भाव से संबंधित आपके पास प्रश्न है, उसी वर्ग चार्ट को आपको देखना होता है। अभी हम बात करेंगे कि वर्ग चार्ट्स को देखने का तरीका, पहले डिवीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये शेयरिंग स्टॉप करते हैं। शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको बराबर? हाँ जी मैम। आपने लेट ज्वाइन किया? जी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी है कि आप कम से कम ये लेक्चर स्किप नहीं हुआ, जो छूट गया है। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को मिस भी हुआ था पहले की। जी जी बिल्कुल, और जो आपसे छूट गया है वो आप रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा, ठीक है? जी हाँ जरूर जी। अगर हम यहाँ पर होरा चार्ट की बात करें, होरा चार्ट ये है D2 चार्ट, यानी कि वर्ग चार्ट नंबर 2 जी, ठीक है? अब ये वर्ग चार्ट नंबर 2 क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंडली के हाउस नंबर 2 का ब्रीफ, विस्तार से अगर हमको देखना है, कुंडली के हाउस नंबर 2 से हम देखेंगे। एक घर पर 30 डिग्री तक, एक घर पर
यानी कि एक राशि पर एक प्लैनेट 30 डिग्री तक भ्रमण करता है, 30 डिग्री तक भ्रमण करने के बाद फिर से वो 0 डिग्री से दूसरी राशि पर भ्रमण करता है, तो एक घर का मान भी एक राशि का मान 30 डिग्री ही होगा। हमें अगर दूसरे भाव से संबंधित विस्तार जानना है तो दूसरा भाव जो होगा वेल्थ के लिए है, कुटुंब का, यस फैमिली के लिए भी है, बट मोस्टली वेल्थ के लिए ज्यादा लोग मतलब देखते हैं, ठीक है। तो वेल्थ के लिए कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें या फैमिली से जुड़ी हुई चीजें हमें देखनी है, तो दूसरे भाव का विस्तार हमको देखना है, वो हम कहाँ से देखेंगे? वो हम देखेंगे D2 चार्ट से। अभी अगर ये भाव 30 डिग्री का है तो D2 चार्ट को D2 क्यों बोलेंगे? अगर आप 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगा, करेक्ट। एक डिग्री का मान कितना होता है कोई बताएगा? एक डिग्री होती है 60 मिनट की। ठीक है, हाँ जी। और एक अंश होता है जी 60 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट का। तो जो होरा चार्ट होती है, होरा चार्ट दो भागों में डिवाइड की जाती है, तो उसका जो एक भाग होता है वो 0 to 15 डिग्री का होता है, और जो दूसरा भाग होता है 16 to 30 डिग्री का होता है। एक भाव रूल्ड होता है बाय सन, एक भाग रूल्ड होता है बाय मून। होरा चार्ट में दो ही मेन ग्रह हैं जो कि होरा चार्ट को रूल करते हैं। एक भाग जो होता है होरा चार्ट का वो रूल होता है बाय सन, और एक भाग जो होता है वो रूल होता है बाय मून। ठीक है, होरा चार्ट दिखता कैसा है उसको देखें, मैंने पिक ग्रुप में हमारे भेजी है, उसको आप देखें, होरा चार्ट की पिक है वो। एक तरफ सूर्य से जुड़े हुए ग्रह हैं और एक तरफ आपको चंद्रमा से जुड़े हुए ग्रह दिखेंगे, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा साथ में हैं, ठीक है, दो ही इसमें लग्न बनते हैं, एक 4 और 1 5, ठीक है, दो ही लग्न की ये चार्ट बनती है, या तो मून की यानी कि कैंसर की, या तो सूर्य की। अगर ज्यादा ग्रह समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, वो पिक्चर आपके सामने है, मैंने देवज्योति सर मैंने आपको भी अलग से भेजी है, और शैलेंद्र जी मैंने ग्रुप में भी भेजी है वो चार्ट जी। उस चार्ट में सूर्य की तरफ ज्यादा, सूर्य का जो लग्न है वो देखना है, यानी कि 5 नंबर नीचे है, उधर ज्यादा ग्रह है कि चंद्रमा के साथ ज्यादा ग्रह है, ज्यादा इफेक्टिव दोनों होरा में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होरा आपको लग रहा है? दोनों ही शुभ ग्रह सूर्य के साथ जाकर के बैठे हैं, और चंद्रमा का जो लग्न है वहां पर राहु है, शनि है, मंगल है, केतु है। ज्यादा मजबूत आपको कौन सा होरा लग रहा है? अगर सूर्य का लग रहा है तो हम ये समझेंगे कि सामने वाले को जो भी धन दौलत प्राप्त होने वाली है वो बहुत ही मेहनत से प्राप्त होगी, और अगर चंद्रमा का जो होरा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाले को मेहनत ना करते हुए भी उसको धन दौलत प्राप्त होगी, और धन दौलत प्राप्त होगी ही, लेकिन दोनों में से कौन सी होरा में प्राप्त होनी है ये हम वहां से देखेंगे। और जब
ये आप सिर्फ चार्ट को समझें फिलहाल, वर्ग चार्ट को हमको समझाना है फिलहाल, हमें फिलहाल प्रिडिक्शन में नहीं जाना। मैं इसको और विस्तार में प्रिडिक्शन जब हम करना शुरू करेंगे, आज वर्ग चार्ट होगा और नेक्स्ट लेक्चर भी शायद वर्ग चार्ट में लग जाएगा मुझे लगता है, फिर उसके बाद हम गोचर को समझेंगे और दशाओं को समझेंगे, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शायद हम प्रिडिक्शन शुरू कर देंगे, तब हम विस्तार में एक एक चीज को लेंगे, पूरी एक ही चार्ट को उठाएंगे, उसी चार्ट का नक्षत्र का भी विश्लेषण, उसी चार्ट के प्लैनेट्स का भी विश्लेषण, उसी चार्ट से गोचर भी, उसी चार्ट से दशा भी, उसी चार्ट से वर्ग चार्ट भी, उसी चार्ट से अष्टक वर्ग भी, उसी चार्ट से हम सब कुछ देखेंगे। तो फिलहाल प्रिडिक्शन में मत जाइए, सिर्फ वर्ग चार्ट को समझें कि होरा चार्ट हाउस नंबर 2 का ब्रीफ होता है, होरा चार्ट दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि एक होरा जो होती है सूर्य की होती है, एक होरा जो होती है मून की होती है, यानी कि उसमें दो ही लग्न होते हैं, लग्न 5 और लग्न 4, और वो होरा एक होरा 15 डिग्री की होती है, ठीक है, ये चीज को समझना जरूरी है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मैं यहां पर भी बना के दिखा देती हूं आपको, जरूरी नहीं है कि ऊपर 5-4 ही हो, एक 4 और एक 5, ये होरा चार्ट ऐसे दिखता है और प्लैनेट्स ऐसे प्लेस्ड होते हैं। होरा चार्ट दो भागों में डिवाइड होता है, बस एक भाग होता है 15 डिग्री का और दूसरा भी भाग होता है 15 डिग्री का, यानी कि कुंडली का जो हाउस नंबर 2 है उसको दो भागों में बांटा गया हो उसका विस्तार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, D3 को देखेंगे, जैसे जैसे चार्ट्स देखते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। होरा चार्ट सिर्फ है जो कि थोड़ी सी अलग है, होरा दो प्रकार की है, होरा से आप होरा का मतलब ना समझें, वो होरा नहीं जो हर घंटे की जो होरा होती है, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग होरा को रूल करते हैं, पहली होरा दिन की वही होती है जो वार होता है, मैं उस होरा की बात नहीं कर रही, होरा चार्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही जल्दी ग्रुप में आर्टिकल डालूंगी एक होरा पर कि होरा होती क्या है, शुभ होरा कौन सी है आपके लिए, ठीक है, अशुभ होरा कौन सी है, होरा ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक घंटे के लिए, घंटे को लैटिन वर्ड में होरा बोला जाता है, होरा इज अ 24th पार्ट ऑफ वन डे, एक दिन में 24 घंटे हैं, तो एक होरा एक घंटे की अगर है तो एक दिन में 24 होरा होती हैं, और हर होरा का अलग अलग प्लैनेट है जो उसको रूल करता है, और सीक्वेंस ऑफ जो होरा है वो भी स्टार्ट होता है दिन के वार के स्वामी से, जैसे आज का जो होरा का सीक्वेंस होगा शुरू हुआ होगा सूर्य से, और ऐसे ही पूरा होरा होता है, 7 प्लैनेट जब पूरे हो जाते हैं तब फिर से जो 8वां होरा शुरू होता है वो फिर से सूर्य से शुरू होता है, तो इस तरह से होरा, तो ये होरा चार्ट की बात हो रही है, ये वो एक घंटे वाले होरा की बात नहीं हो रही है, मुहूर्त के लिए जो यूज करते हैं, इवेंट प्रिडिक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उस होरा की बात नहीं हो रही है। अभी हम D3 चार्ट की बात करेंगे, D3 चार्ट की, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं फॉन्ट्स को,
बोल्ड रखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट 3 की। डिविजनल चार्ट 3 है, कौन से हाउस का विस्तार है डिविजनल चार्ट 3, कोई मुझे बता पाएगा? डिविजनल चार्ट 3 कौन से हाउस का विस्तार है? थर्ड हाउस का है। मेरी आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। गुड गुड, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। गुड, डिविजनल चार्ट थर्ड हाउस का विस्तार है, तो थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? थर्ड हाउस से हम स्ट्रेंथ देखते हैं, बल देखते हैं, बराबर। सिबलिंग्स देखते हैं, छोटे भाई बहन। स्ट्रेंथ पराक्रम देखते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस का जो स्थिर कारक है वो मंगल है, ठीक है। अभी देखना कैसे है चार्ट को वो भी हम समझेंगे। स्थिर कारक जो है थर्ड हाउस का वो मंगल है, तो इस वर्ग चार्ट का भी अगर स्वामी बोलेंगे तो वो मंगल होगा, ठीक है, मंगल बनेगा। अभी चार्ट को देखने का ना तरीका भी है, वर्ग चार्ट को देखने का तरीका भी है। वो क्या तरीका है? क्या आपको एस्पेक्ट्स लेने हैं? एस्पेक्ट्स लेने हैं आपको? नहीं लेने? गेटिंग मी? मैंने लिख के क्यों ऐसे किया? ताकि वो याद रहे। तो हमने एस्पेक्ट्स नहीं लेने हैं, तो हम वर्ग चार्ट को कैसे देखेंगे? प्लेसमेंट से देखेंगे, प्लेसमेंट्स एंड कंजंक्शंस। किससे देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट और कंजंक्शंस से देखेंगे। किसी भी वर्ग चार्ट को आपको एस्पेक्ट्स नहीं लेने हैं। कहीं कहीं अगर किसी ने ऐसा लिया भी है तो वो रॉन्ग है। पूछो क्यों? हर चार्ट क्या हम एक एक घर को डिग्री में उसका विभाग कर दे रहे हैं, तो एस्पेक्ट आए कहाँ से? तो हम सिर्फ प्लेसमेंट देखेंगे। ये जो चार्ट है ना, इस पर आते हैं प्रेडिक्शन पर, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाइए। वो चला गया क्या बोर्ड? ठीक है, नेक्स्ट। ये थर्ड हाउस का विस्तार है, D3 चार्ट है, तो हम थर्ड हाउस को विल बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? पार्ट्स। तो जो एक घर होता है उसका मान कितना होता है शैलेंद्र जी, बताइए? 29 डिग्री। यस, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 डिग्री। यस, तो मैं डायरेक्ट 10 डिग्री लिखती हूँ जी, ठीक है। मीटिंग टाइम रनिंग आउट, अगर ऐसा है तो आप फिर से तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 डिग्री, तो यानी कि जो एक दृष्टिकोण होगा वो होगा 0 से लेकर के 10 का। जो दूसरा दृष्टिकोण हुआ वो हुआ 10 से लेकर के 20, हुआ 10 से लेकर के 20 का। और जो तीसरा दृष्टिकोण हुआ, बोर्ड क्लियर है ना, वो हुआ 20 से लेकर के 30 डिग्री का। तो D3 को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। D3 को 3 भागों में बांटा जाता है, और D3 थर्ड हाउस का विस्तार है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल बना, ठीक है। और ये वर्ग चार्ट क्यों देखा जाता है? भाई बहन के बारे में, हमारे भाई बहन से कितनी बनेगी कि नहीं, भाई बहन का सुख होगा कि नहीं, हम आपस में कितना अच्छे से रहेंगे, और स्ट्रेंथ, सॉरी स्पेलिंग गलत है, अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ कितनी है हमारे अंदर, हम पराक्रम कितना कर पाएंगे, मंगल का सपोर्ट हमको जितना मिलेगा उतना। तो हमने जब लग्न चार्ट में अगर हमने मंगल का स्ट्रेंथ देख लिया, अभी एक एग्जाम्पल ले लें चले,
हम ये देख लें कि डी थ्री चार्ट को कैसे हमको देखना है, लग्न चार्ट और डी थ्री चार्ट दोनों ले लेते हैं। जी हमें किसी भी वर्ग चार्ट को लग्न की तरह, लग्न चार्ट की तरह नहीं देखना है, ठीक है। जी उसका एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, फिर डिग्रियां भी देखने लगते हैं, वैसे नहीं, हमें सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान देना है और युति पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम ये चार्ट पे एक मिनट, ये वर्ग चार्ट्स विजिबल हैं कि बोर्ड ही दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। फिर एक मिनट, तो ये है वर्ग चार्ट्स, ये किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन की, क्लियर है ना पिक्चर? ज़ूम कर दो, क्लियर नहीं हो रहा अभी? अब कुछ बेटर है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड पर्सन की चार्ट की डिटेल्स हैं। हम यहाँ पर, ठीक है, द्रेशकान यानी कि थर्ड नंबर बर्थ चार्ट के नीचे वाली चार्ट और बर्थ चार्ट को ही देखेंगे। बर्थ चार्ट में हमने अगर थर्ड हाउस से जुड़े हुए चीजों को देखना है, ठीक है, हमने क्या देखना है इनके चार्ट में कि इनके भाई बहन से कितनी बनेगी, ये कितनी मेहनत कर पाएंगे, थर्ड हाउस का विस्तार हमने देखना है। हमने देखा बर्थ चार्ट में जो लग्नेश है, ठीक है, हमने अगर पहले एक बार देख लिया कि लग्नेश स्वयं उठ करके कहाँ पर बैठे हैं, 11वें नंबर घर पे बैठे हैं, ठीक है, यानी कि लाभ भाव में बैठे हैं। तो क्रूर ग्रह है, उपजय घर पे बैठा है, चलो प्लेसमेंट ठीक है। और हमें देखना है कि थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है। थर्ड हाउस का स्वामी भी लग्न पर उठ करके बैठा है और बुध आदित्य योग बन रहा है, मतलब अच्छा बन रहा है, ठीक है, और लग्न पर ही बना है तो स्ट्रॉन्ग है बुध आदित्य योग, अगर अस्त नहीं है मरकरी तो, ठीक है। तो थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो भी यहाँ पर वेल प्लेस्ड है और 11वें नंबर भाव पर जाकर के मंगल बैठे हैं, तो आप यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन करेंगे? इतना सा ही सिर्फ समझ के कि भाई बहनों से लाभ होगा, भाई बहन का सुख होगा, ठीक है, और क्योंकि लग्नेश मंगल है, ठीक है, और तो भाई बहन के, भाई बहनों के साथ, एक दो तीन चार, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है मैडम कि लग्न पे शनि की दृष्टि है, लग्न पे शनि की दृष्टि है, आप फिर जो मुद्दा है उससे हट रहे हैं। मैं पूरी कुंडली एनालाइज करने नहीं बैठ रही हूँ अभी, जी समझ रहे हो, बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, हाँ ऐसा बोलो आप तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुध क्या है, थर्ड हाउस का स्वामी है और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बुध और शनि क्या है, आपस में, आपस में मित्रता भी तो है, तो शनि के ऊपर, लेकिन बुध आदित्य योग कमजोर हो गया ना। हाँ हाँ बराबर, बुध आदित्य योग कमजोर हो गया, आप फिर मुद्दे से हट गए, पूरी कुंडली के विश्लेषण में नहीं जाइए। बुध आदित्य योग इस कुंडली में बन रहा है, ठीक है, फिलहाल ये देखिए कि थर्ड हाउस का स्वामी कहाँ पर गया, ठीक है, थर्ड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में गया, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट थी, लेकिन अच्छा, शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है जो कि शनि अशुभ ग्रह है, तो शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, लेकिन वो शनि उसका मित्र भी है, ठीक है, तो लेकिन थोड़ी से उसके असर को कमजोर जरूर करेगा, डिले जरूर करेगा, लेकिन लग्न पर जाकर के बुध का बैठना ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात हो गई, यानी कि इस बंदे ने अपने भाई बहन को ही उठा के अपने सर पे रखा है, मतलब अपने भाई बहन से बहुत प्यार भी करता होगा और भाई बहन भी उठ के लाभ स्थान में है, तो भाई बहन इसको सपोर्ट भी करेंगे, भाई बहन इसको हेल्प भी करेंगे, तो भाई बहन होंगे भी, छोटी बहन जरूर होगी वहां पर, तीन नंबर राशि है ना, बुध की राशि है, गेटिंग मी? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी पूरी लग्न कुंडली पे को मत विश्लेषण पे जाओ, सिर्फ थर्ड भाव को पकड़ो, नहीं तो डिविजनल चार्ट समझने से थोड़ा हट जाओगे। तो मैंने क्या अभी यहाँ पर स्थिति क्या देखी है कि जो लग्नेश है वो भी अच्छी पोजीशन पे है,
ठीक है, और जो तीसरे भाव का स्थिर कारक होता है वो भी मंगल बना, तो मंगल और लग्नेश यहाँ पर एक ही है, तो वो उपचय भाव में है। यहाँ पर मंगल राहु के साथ है, ठीक है, वो भी युति, युति हमें, वो युति भी ठीक नहीं है, लेकिन इस पर फिर डीप में जाएंगे हम, लेकिन बाद में। फिलहाल ये देखो कि मंगल 11वें भाव पे है, लाभ तो मिलना है, ठीक है, भाई बहन आपस में रहेंगे। और हमने माने बुद्ध को भी देख लिया कि बुद्ध यानी कि उस घर का लॉर्ड, उस घर का कारक भी स्थिर और लग्नेश भी कुंडली का। तो हमें ओवरऑल क्या लगा है, 70% सिचुएशन अच्छी लगी है थर्ड हाउस से रिगार्डिंग, क्या बोलते हो? हाँ, जी हाँ, शनि की दृष्टि भी मैंने देख ली, लग्नेश पर नहीं पड़ रही है, मगर लग्नेश जो राहु के साथ बैठा है वो ठीक नहीं है, दोनों आपस में शत्रु हैं। गेटिंग मी? तो लग्नेश के साथ राहु का बैठना ये भी ठीक नहीं है। इसका उपाय शांति कुछ और होगी, लेकिन अभी हमने बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस का विस्तार हमने देखा। अगर अभी हम D3 पे चलते हैं और देखेंगे कि फिर से आपको क्या देखना है D3 में, आपको हमेशा सिर्फ लग्नेश, उस भाव का स्थिर कारक ग्रह भावेश, ठीक है, और स्थिर कारक ग्रह जहां पर पड़ा है वहां से फिर से तीसरा घर, क्या समझे? रिपीट करेंगे प्लीज शैलेंद्र जी, हमें एक वर्ग चार्ट में क्या क्या देखना है बताएं फिर से, मैंने अभी रिपीट किया लग्नेश देखना है बराबर। और तीनों भाव का स्थिर कारक ग्रह है, क्या क्या? 3 नंबर भाव का तीनों स्थिर कारक भाव ग्रह का स्थिर कारक बराबर। ग्रह, जिस इस केस में मंगल होगा हाँ, और और उसकी प्लेसमेंट हाँ, और भावेश, भावेश को भूल गए, हाउस लॉर्ड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर हाउस लॉर्ड भी देखेंगे, है ना? जी, हाँ, जी हाँ, लग्नेश भी देखेंगे, लग्न भी देखेंगे, 3 नंबर घर का स्वामी भी देखेंगे और 3 नंबर घर भी देखेंगे। अभी वहां पर देखो, 3 नंबर घर जी हाँ, में, 3 नंबर घर पीड़ित हो गया, शनि बैठा है, और क्या हाँ शनि जी, मित्र है लग्न का, लग्नेश का मित्र है? नहीं है, 3 नंबर घर में जाके रह नहीं बैठ गया है। जी, शनि भी है राहु भी है, यस, ये राहु नहीं है। एक मिनट, नहीं, राहु 11th में ही है, ठीक है, अब उसे हाँ जी, कंफर्म राहु कर रहा नहीं हूं। तो शनि लग्न के साथ, लग्नेश के साथ ही जाकर के बैठ गया, ऐसे में क्या होगा? काफी आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? लड़ाई झगड़े, काफी आपस जी, में अनबन अनबन होती होगी, और हो शनि, सकती है। हाँ, और ये पराक्रम का भाव है, तो शनि बहुत ही गंदी मेहनत करवाएंगे। हाँ जी, मतलब मैं